The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Stomach ulcer के बारे में सबको ही पता है, लेकिन H. pylori एक बहुत जरूरी bacteria है, जिसके वजह से अल्सर्स होते हैं. और ये अल्सर्स बैक्टीरिया ज़्यादातर केसेस में स्टमक और डियोडेनल अल्सर के का कारण बनता है. क्रोनिक अल्सर जिनके लंबे समय चलते हैं उनके, तो लंबे समय जिनको अल्सर की प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती, उनको ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए. सो एच पायलोरी का टेस्ट होता कैसे है, क्या होता है? सो एच पायलोरी के वैसे तो कई सारे मेथड है एच पायलोरी टेस्ट करने का. एक मेथड है ब्रेथ, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट. ब्रेथ टेस्ट में क्या होता है, एक तो दो तीन प्रकार के ब्रेथ टेस्ट है बेसिकली. एक तो कार्बन आइसोटोप ब्रेथ टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, या यूबीटी भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, ये भी होता है. सो इसमें क्या क्या होता है, पहले तो आपको कोई भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स और कोई भी बिस्मत या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पे बंद किया जाएगा दो हफ्ते के लिए टेस्ट से पहले. कोई भी एंटासिड्स या कोई भी एंटीबायोटिक से बंद करके टेस्ट के दौरान आपको एक नया दैट यूरिया कंटेनिंग कोई एक सब्सटेंस खिलाया जाएगा, राइट? उसको सॉलो करना पड़ेगा. यूरिया आपकी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके प्रोटीन ब्रेकडाउन से निकलता है, और यूरिया एक हार्मलेस चीज है जो आपके शरीर में आपको कोई हार्म नहीं करेगा. और क्या होता है, अगर एच पायलोरी प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया जो पेट में है ये यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, जो कि आपके ब्रेथ में 10 मिनट के बाद पकड़ा जा सकता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली भी आपके ब्रेथ में होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक लेवल के आगे होगा तो ये पता चलेगा कि हाँ ये यूरिया के वजह से है. सो ये डिटेक्ट होता है एक्सहेल्ड ब्रेथ में, और ये टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकता है ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑल पीपल जिनके अंदर एच पायलोरी है, राइट? तो ये इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए भी अच्छा टेस्ट है अगर हम एच पायलोरी का टेस्ट करते हैं. फिर ये एक टेस्ट हुआ ब्रेथ टेस्ट, राइट? दूसरा ब्रेथ टेस्ट है जैसे ब्लड टेस्ट है. ब्लड टेस्ट है जिसमें एंटीबॉडीज चेक की जाती है एच पायलोरी के अगेंस्ट. एंटीबॉडीज ये प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है किसी भी बैक्टीरिया वायरस के कुछ बॉडी पार्ट्स को लेके, कि भाई इसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बन गया तो हमारी जब भी वो बैक्टीरिया वायरस आएगा उसको आइडेंटिफाई करके मार दिया जाएगा, राइट? सो एच पायलोरी के एंटीबॉडीज को हम पकड़ सकते हैं. ब्लड टेस्ट से सिर्फ ये पता चल सकता है कि एच पायलोरी के एंटीबॉडीज है कि नहीं है, वो ये नहीं बता सकता ब्लड टेस्ट कि ये करंट इन्फेक्शन है या पुराना था. आज तक आपके अंदर एच पायलोरी का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक भी हो गया, तो भी एच पायलोरी के एंटीबॉडीज पॉजिटिव रहेंगे, ये सालों तक पॉजिटिव रहेंगे. बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो गया उसके बाद भी, तो इससे इन्फेक्शन रूल आउट नहीं कर सकते ब्लड टेस्ट से, ब्रेथ टेस्ट से कर सकते हैं सांस वाली. तीसरा टेस्ट है स्टूल टेस्ट, मोशन. स्टूल टेस्ट में आप फीसेस में, आपके स्टूल में, लैटरिन में भी स्ट्रेसिस एच पायलोरी के पकड़ सकते हैं, इसमें इन्फेक्शन कंफर्म कर सकते हैं, और इसमें भी देख सकते हैं कि पक्की बात से इरेडिकेट हुआ कि नहीं हुआ, इन्फेक्शन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भी एक अच्छा टेस्ट है. उसके बाद आता है आपका बायोप्सी. जब एंडोस्कोपी करते हैं तो एंडोस्कोपी करके स्टमक की लाइनिंग का एक टुकड़ा लेके, वो सबसे एक्यूरेट तरीका है बताने का कि एच पायलोरी का इन्फेक्शन है कि नहीं है. उसके लिए एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी के बाद ही आपकी बायोप्सी हो सकती है, वेरी सिंपल. और एक वो तो उसके लिए भर्ती करने की भी जरूरत नहीं होती है, इन पेशेंट क्लिनिक में भी हो जाता है. और बायोप्सी के लिए अल्सर को भी डायग्नोसिस हो जाता है, ब्लीडिंग का भी आंसर, ये भी डायग्नोसिस हो, कैंसर वैंसर तो नहीं है, ये भी पता चल जाता है. सो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अगेन, कौन करेगा, किसको करेंगे? अगर आपको क्रोनिक अल्सर है, ज़्यादातर रहता है, अगर आपको लगता है कि स्टमक अल्सर लंबे समय से और एच पायलोरी हो सकता है, कभी टेस्ट नहीं हुआ तो, और एच पायलोरी का ट्रीटमेंट हो चुका है और कंफर्म करना है कि भाई हुआ कि नहीं, ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ तो, या अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म कोई पेन किलर या ऐसी चीज़ें, आप एंट एसिड लेते हो तो, राइट, डिस्पेप्सिया रहता है तो, इन सब लोगों को करना कर सकते हैं. नॉर्मली आपका
इन सब टेस्ट में कोई भी रिजल्ट नहीं आना, मतलब एच पायलोरी नहीं मिलना चाहिए आपके, कोई भी साइन जब भी आता है एबनॉर्मल साइन, जैसे हमने कहा एच पायलोरी इन्फेक्शन होगा तो होगा। तो ये हुई बात एच पायलोरी के टेस्ट की, जिसमें हम आपका ब्रेथ टेस्ट, एच पायलोरी ब्रेथ टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, तीन ही टेस्ट है राइट, और उसको एक हाइड्रोजन या यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, हो गया काम एच पायलोरी का, बाकी अल्सर वाला आपको बता चुके हैं हम पहले राइट, कोई भी सवाल है तो लिखिए, थैंक यू।